हेलो दोस्तों, आजादी के बाद से लेकर अब तक के इतिहास में ऐसे कई नौकरशाह आए हैं जिन्होंने अपने सेवा काल में बहुत सारी संपत्ति जमाने की कोशिश की। चलिए जानते हैं इनके बारे में। हाल ही में झारखंड के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के यहाँ पर ईडी के छापे ने एक बार फिर से देश के नौकरशाही के अंदर व्याप्त करप्शन को सबके सामने ला दिया। ईडी ने इनके ठिकाने में अब तक 20 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद की। इसी के साथ सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया। पूजा सिंघल कोई देश की इकलौती आईएएस अधिकारी नहीं है जिन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि का इस्तेमाल अवैध रूप से अपनी तिजोरी भरने में किया है। आजादी के बाद से लेकर अब तक के इतिहास में ऐसे कई नौकरशाह हैं जिन्होंने अपने सेवा काल में कुछ संपत्ति जमाने की कोशिश की। तो आइए एक नजर देश के उन 10 चर्चित आईएएस अधिकारियों पर डालते हैं जिन्होंने ऐसा काम किया है। पहले स्थान पे हैं आईएएस ए मोहन। एंटी करप्शन ब्यूरो ने साल 2016 में आंध्र प्रदेश के एक छापामारी कार्रवाई के दौरान पूर्वी गोदावरी जिले के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ए मोहन के पास से अकूत संपत्ति का पता लगाया था। मोहन के पास कई राज्यों में 800 करोड़ रुपए की मूवेबल इमूवेबल संपत्ति थी। कार्रवाई के दौरान उसके पास से 14 फ्लैट के कागजात समेत 2 किलो सोना और 5 किलो चांदी बरामद हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक मोहन ने अपनी बड़ी बेटी तेजश्री के नाम पर 8 बेनामी कंपनियां बनाई थी जिसकी कीमत 100 से 120 करोड़ रुपए आंकी गई थी। दूसरे स्थान पर है आईएएस अखंड प्रताप सिंह। साल 1996 में उत्तर प्रदेश आईएएस एसोसिएशन ने अपने एक सर्वेक्षण अखंड प्रताप सिंह को कथित रूप से देश का सबसे भ्रष्ट आईएएस अधिकारी बताया था। उनकी सारी संपत्ति की जांच की मांग भी की गई थी जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह ने मना कर दिया था। केंद्र सरकार ने अखंड प्रताप के खिलाफ सीबीआई जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति मांगी थी जिसे तत्कालीन राजनाथ सिंह सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। इसके बाद सत्ता में आई मायावती ने न केवल सीबीआई जांच की एक और मांग ठुकराई बल्कि उनके खिलाफ विजिलेंस के मामले भी वापस ले लिए। मायावती के बाद सत्ता में आए मुलायम सिंह यादव को सिंह पर और मेहरबान दिखे। उन्होंने अखंड प्रताप को सूबे का मुख्य सचिव बना दिया और केंद्र सरकार की सहमति से उन्हें सेवा विस्तार भी दे दिया। अपने सेवा काल में अलग अलग सियासी आकाओं को साधने में माहिर अखंड प्रताप सिंह आखिरकार अवकाश के बाद सीबीआई के चंगुल में फंसी गए। सीबीआई की जांच में पता चला कि उन्होंने अपने 30 साल के करियर में आय से अधिक संपत्ति अर्जित की। उनकी संपत्तियों में एक बड़ी राजसी कोठी, 4 अन्य घर, 4 प्लॉट, गुरुग्राम में 4 फ्लैट, लखनऊ के पास एक फार्म हाउस, 82 लाख रुपए कैश और 13 गाड़ियां शामिल थे। तीसरे स्थान पे है आईएएस अरविंद जोशी और चौथे स्थान पे है आईएएस टीनू जोशी। आईएएस अधिकारी अरविंद जोशी और आईएएस अधिकारी टीनू जोशी पति पत्नी है। दोनों 1979 के मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस अधिकारी हैं। 2011 में जोशी दंपति तब सुर्खियों में आया जब आयकर विभाग ने एमपी की राजधानी भोपाल स्थित उनके घर पर छापा मारा था। इस कार्रवाई में आयकर विभाग ने 3 करोड़ रुपए कैश और करोड़ों की संपत्ति के दस्तावेज बरामद किए थे। कार्रवाई के अगले ही दिन दोनों को राज्य सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। उनके पास से 350 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति भी प्राप्त हुई थी। पांचवें स्थान पे आईएएस नितेश जनार्दन ठाकुर। साल 2012 के मार्च महीने में मुंबई एसीबी ने आईएएस अधिकारी नितेश जनार्दन ठाकुर के घर पर छापा मारा था। छापामारी करने के बाद एसीबी को पता चला कि ठाकुर के पास 200 करोड़ से अधिक की संपत्ति थी, वह भी उनके सेवा के 12 वर्षों के भीतर। 10 लग्जरी वाहन भी मिले। जब वह अलीबाग के कलेक्टर थे तो उन्होंने जमीन के रिकॉर्ड से छेड़छाड़ भी की थी। इसके बाद उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। उन्होंने सेवा में रहते हुए कई शेल कंपनियों की स्थापना की और 300 करोड़ रुपए जमा किए थे। ईडी द्वारा जांच शुरू करने से पहले नितेश ठाकुर विदेश भाग गया और वर्तमान में दुबई में बताया जा रहा है। वो भारत के अब तक के सबसे भ्रष्ट आईएएस अधिकारियों में से एक है। छठे स्थान पर है आईएएस नीरा यादव। नीरा यादव ने 1971 में यूपीएससी की परीक्षा उत्तीर्ण की और सर्विस के रूप में अपना गृह राज्य यूपी प्राप्त किया। उनका नाम यूपी और एनसीआर में विभिन्न भूमि घोटालों में भी शामिल था। नीरा यादव को 2012 में सीबीआई अदालत ने दोषी ठहराया था। उन्होंने करीबी राजनीतिक संपर्क बनाए रखा जिसके कारण अधिकारी उनके खिलाफ जांच करने से हिचकते रहे। अगस्त 2017 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2 साल की जेल की सजा को बरकरार रखा
और बता दें कि नीरा को 1996 में यूपी आईएएस एसोसिएशन ने राज्य का दूसरा सबसे भ्रष्ट आईएएस अधिकारी घोषित किया था। मुलायम सिंह यादव ने नीरा यादव के खिलाफ भ्रष्टाचार की कई गंभीर शिकायतों के बावजूद उन्हें 2005 में यूपी का मुख्य सचिव बनाया था। सातवें स्थान पर है आईएएस एस मलाईचामी। एस मलाईचामी खादी ग्राम उद्योग में पूर्व एमडी थे। दिसंबर 2012 में उन्हें 50 लाख रुपए आय से अधिक संपत्ति रखने के लिए 5 साल की जेल की सजा और 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। वह 1971 बैच के एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अधिकारी थे, जिन्होंने दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी के रूप में भी काम किया था। 1971 में आईएएस अधिकारी बनने के बाद उनकी संपत्ति 46 लाख से बढ़कर 1.3 करोड़ रुपए हो गई थी। आठवें स्थान पे हैं आईएएस टीओ सरोज। टीओ सरोज केरल कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी हैं। 2003 में उनका नाम कई विवादों में रहा है। उनका नाम मराड़ में हिंदू मुस्लिम दंगों को भड़काने में भी सामने आया, जब वह जिला कलेक्टर अधिकारी के रूप में वहां कार्यरत थे। उन पर कई जमीन हड़पने के मामले और संपत्ति इकट्ठा करने का आरोप भी है। विजिलेंस और एसीबी ने उनके आवास पर छापेमारी करते हुए 20 लाख रुपए और 30 करोड़ की संपत्ति बरामद की। वह बेनामी लेनदेन में भी शामिल थे। नौवें स्थान पे हैं आईएएस राकेश बहादुर। राकेश बहादुर उत्तर प्रदेश कैडर के एक दागे सीनियर आईएएस अधिकारी हैं। उनका यूपी में समाजवादी पार्टी से बहुत करीबी रिश्ता है। राकेश बहादुर को 2009 में बसपा द्वारा निलंबित कर दिया गया था, जब नोएडा भूमि आवंटन परियोजना में मिसमैनेजमेंट देखी गई थी। वह अपने साथियों के साथ 4000 करोड़ रुपए के हेर फेर में शामिल बताए जाते हैं। दसवें स्थान पे हैं आईएएस बाबूलाल अग्रवाल। 1998 बैच के आईएएस अधिकारी बाबूलाल अग्रवाल को साल 2010 में छत्तीसगढ़ सरकार ने बर्खास्त कर दिया था। उस दौरान वो कृषि विभाग के सचिव के पद पर कार्यरत थे। दरअसल आयकर विभाग की रेड में उनके पास से 500 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्ति के बारे में पता चला था। उनके 446 बेनामी बैंक अकाउंट में 40 करोड़ रुपए जमा थे। उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप है। ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी 27.86 करोड़ रुपए की संपत्ति को अटैच कर दिया था। ये जानना काफी दिलचस्प होगा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट 2022 में भारत को 180 देशों की सूची में 85th स्थान मिला है, जो कि 2021 से एक पायदान ऊपर है। हमारे देश में आईएएस कई लोगों का सपना होता है, लेकिन कई लोग इस सपने को पैसा कमाने का जरिया समझ लेते हैं और करप्शन में लिप्त हो जाते हैं। अगर आपको इस वीडियो से जुड़ी और जानकारियां चाहिए तो कृपया कमेंट बॉक्स पर कमेंट करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें।